यहाँ भी बुलडोजर खड़े हैं, छतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे फील सिर्फ दुनिया के एक हिस्से में ही नहीं दिख रहा है, यहां भी बुलडोजर खड़े हैं, छतें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं। बच्चे बहुत सारे लोग कहा करते थे कि सियासत में चले जाओगे तो होंठ से लुटेंगे, जबान बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कि जब जब एक उदासी हो सोसाइटी में, समाज में, तब शायर की, कलमकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा हौसला दे कि न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि पूरे समाज में एक संदेशा जाए। मैं एक नज्म पढ़ता हूं और एक जरूरी नज्म पढ़ता हूं आज यहां पर खड़ा होकर के। मुझे दुआ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। वाह वाह वाह, बड़ी हिम्मत की नज्म पढ़ रहा हूं। कोई भी हाथ मुझे खामोश नहीं लगना चाहिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। मुझे लगना चाहिए परवनी वालों कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहना, अगले मिसरे पे यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताबाना तोड़ दिया। क्या कहना, वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया, प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे।
के बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। काश कभी सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना इर्शाद, कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार रहना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक, के जालिम को जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मशायरे का, जाते जाते एक नज्म आपको सुनाता हूं। हाँ सारी सारी सुना दूंगा, हाँ लेकिन एक नज्म पहले सुना दूं फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं जी। एक बात बहुत दिल से यहां तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रताप गढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं, और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। के बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म सिया चचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदा दिली बची है परवनी में, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कमाल के बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा देखिए, एक बुजुर्ग आदमी
का जोश, इनकी जिंदा दिली देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह इनके इस जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का एक शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उनका एक शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दांत तो अब चाहिए, ताली तो अब मांगता हूं आपसे, जो अगले तो दो मिसरे आने जा रहे हैं उस पर, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, दाइज के यहां से पीछे तक तैयार रहना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिंगा ही रहेगा। के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है शायर दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूं कि अंदाज, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं। यार हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं, तो यहां क्या जरूरत। क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद। शुक्रिया, थैंक यू। फोन कैसे हो? थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा वो भी सुनाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं मैं, लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ दाद दे दी, वरना आज